Sembrano questi, ये लो सर के ऊपर है। सिस्टर देगी चावल, वो फिर चावल के साथ जो है ना दाल खा लेगी। साथ में बारिश हो जाती है और साथ में गर्म गर्म चाय हो जाती है। हाँ। लेना है? मैं अभी चख रही थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी सैम आ गया मेरे पास ये चीज़ें लेने के लिए, फूल वगैरह, हार और मिठाई। तो मैंने कहा आप जाओ उधर लेके जाओ जहाँ बच्चा बैठा है और कारी साहब बैठा हुआ है, और आप भी चले जाओ क्योंकि वहाँ पर दुआ करेंगे। और जो भाई ने हमें अल्लाह पाक का घर बना के दिया है उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए ना कारी साहब को बोलना बहुत सारी दुआ करें। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وسلم ثم صلوا عليه آمين رب العالمين सूरह फातिहा सूरह इख़लास तिलावत की थी, ख़त्म कुरान पढ़ा गया और इस बच्चे ने ख़त्म कुरान की था, अपनी बारगाह दर कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन मिन जुमला सही कलाम जो पढ़ा गया अपनी बारगाह दर कबूल फरमा, अगर कोई गलती कुतई हो गई अपनी रहमत कामला तो सदका मुआफ़ी अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस कलाम का सदका, इस कलाम का सवाब और जो भी लंगर खराब का सदका खराब का अहतमाम किया गया अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। इसका सवाब अली सलातुस्सलाम की बारगाह में तोहफ़तन हदीयतन अक़ीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। अली सलातुस्सलाम के नालैन का सदका बिलखसूस बिलखसूस या रब्बुल आलमीन भाई आरिफ उनके ख़ानदान रिश्तेदार अज़ीज़ अक़ारिब वालदैन दोस्त अहबाब अदियान अनियार में से जितने भी ईमान की सलामती में से चले गए तमाम के अरवा को इशारा सवाब करते हैं, कबूल फरमा। तमाम की कब्रों को जन्नत का भाव बना, तमाम की कब्रों को तहत देने का वसी फरमा, तमाम के जो भी सबीरा कबीरा गुनाह है मुआफ़ फरमा। रब्बुल आलमीन उनके माल में जान में रिस्क में बरकत अता फरमा। रब्बुल आलमीन उनकी जो भी तकालीफ मुसीबत परेशानी दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हुजूर के वसीले से या रब्बुल आलमीन इस बच्चे के ख़ानदान में से, दाद का ख़ानदान, नान का ख़ानदान में से मर्द और बच्चे बूढ़े जितने भी चले गए तमाम के अरवा को इशारा सवाब करते हैं, कबूल फरमा। तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बना या रब्बुल आलमीन। इसी तरह तमाम बच्चों को सही माने कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जितने भी इस मजलिस के अंदर मौजूद हैं तमाम की औलादों को सही माने कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन अकाली सलातु व सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। तमाम बच्चों को हाफिज कुरान आलम दीन बना। रब्बुल आलमीन जितने भी परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा, और बिलखसूस या रब्बुल आलमीन खान भाई को सेहत कामला वाजरा नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन उनके माल में, जान में, रिस्क में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। रब्बुल आलमीन उनकी जितनी भी तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियों को दूर फरमा। इलाही बहक़ बनी फातिमा क़बर क़ौल इमा को फातिमा गर्दा अंदर गर कबूल मनो दसुदा माने आले रसूल तो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व अर्शिही محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مبارك 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 مبارك
ਹੋਏ ਜਨਾਬ तो ये है वो प्यारा सा बच्चा और ये वो है सिस्टर जो बेचारी ये जाती है कहीं पे काम करने के लिए तो अभी बेचारी आई है तो शाम हो गई है क्योंकि आते आते खुश थी वो अभी बिस्मा जो है ना बिस्तर बिछाने लगी है अपने अब्बू के ऐसे ना अम्मी और अब्बू का बिछा लो ना फिर मेरे अब्बू को सर्दी बहुत जल्दी लगती है अगर ना बिछा हुआ तो फिर अब्बू कहेगा सर्दी लग रही है और अभी से ना अब्बू ने चादर लेना शुरू भी कर दी हाँ तो एक चादर अगर खराब हो जाए तो दूसरी चादर जो है ना ओढ़ लेता है ले लेता है क्योंकि मेरे अब्बू को सर्दी लगती है इसलिए लगती है क्योंकि मेरा अब्बू जी कमजोर बहुत है हाँ बहुत ज्यादा पर जो है ना हड्डियों की बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है तो अब यहाँ पे जो है ना चरपाइयाँ बिछ गई हैं तो अभी बिस्मा बिछाने लगी है बिस्तर अभी जो है ना सिस्टर शाम का खाने की तैयारी करी है क्योंकि मैंने तो सालन चढ़ा लिया था आज सिस्टर जो है आज सिस्टर से ना मैंने पहले नंबर लगा लिया सिस्टर आज आप क्यों लेट हो गए हो मैं लेट इस वजह से हो गई जोर का बोलो कैमरा आवाज तो ले ले बेटे की तबीयत सही नहीं तो मैं इस वजह से नमक वाले चावल बना रही हूँ कच्चे खा लेंगे खा लो बस ज्यादा करके बनाना फिर सब अपनी अपनी प्लेट लेके आते हैं सबसे पहले मुस्तफा आएगा मुस्तफा तो मालूम क्यों जो टोकरी में वो कपास क्यों रखी हुई है वो भी बीच में डाली है पता नीचे गिरी थी मैंने इसको धो के टोकरी में डाल दी थी मैं तो सुख देखो कितनी मेहनत होती है फिर भी चलो पीछे कोई ना कोई चीज का काम आ जाती है ना चलो जी सालन मेरा यहाँ पे चढ़ चुका है तो वहाँ पे जो है ना मेरा तंदूर जल रहा था तो सब आ गए थे यहाँ पे सब आए फिर जो है ना फूल वगैरह डाला तो बिस्तर भी जो है ना बिस्मा बिछा रही है तो मैं चल के देखती हूँ अपना तंदूर क्योंकि तंदूर जल रहा था फिर ये कहीं बुझ ही ना जाए आपको बर्फ चाहिए चलो मैं बर्फ देती हूँ बिस्मिल्लाह बर्फ चाहिए फिदा जान के भांजे को तो दूँ कौन सी दूँ है तो सब कच्ची ये लो फूल ऊपर से आ रहे हैं ये देखो ये फूल इधर ही थे पकड़ना ये लो सर के ऊपर है तबा जनाब यहाँ से मामा फूल उठा लो मैं इधर से उठा लेती हूँ अभी जो ये भाई काम कर रहे थे तो यहाँ से जो है ना सब सामान जो एक्स्ट्रा ईंटें पड़ी हुई है वो जाके ना बाहर रखते हैं तो ट्रॉली जो है लेके आए तो भाई ये भाई जाके रख के आएगा यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह सब कुछ धो के मैंने लटका दिया क्योंकि खाने के टाइम जो है ना फिर काम आते हैं ना बहुत ज़्यादा इस वजह से मैंने कहा जब तक ये बर्तन भी सूख जाएंगे और हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा अभी जल्दी से जाती हूँ रोटियाँ लगा लेती हूँ सालन को तो अभी देर है सिस्टर भी जो है ना जब तक चावल उबाल लेगी क्योंकि बच्चे फिर खाएंगे कच्ची रोटियाँ जब गिर जाती है ना तो बड़ा बेहोश करती हैं रोटियाँ आज मेरी जो है ना जैनब की ईद हो जाएगी क्योंकि सिस्टर देगी चावल वो फिर चावल के साथ जो है ना दाल खा लेगी यहाँ पे जल्दी जल्दी से रोटियां लगाते हैं उसके बाद सिस्टर के पास जाऊंगी छोटी सिस्टर के पास क्योंकि वो सुबह से जो है ना यहाँ पे नहीं आई तो उससे जाके पूछते हैं उसकी तबीयत कैसी है आज क्या है आज आप उधर नहीं आए हो सुबह की आज तबीयत ठीक नहीं थी अच्छा मेरी ना गर्दन में ऐसे दर्द है पता है ब्लड प्रेशर तेज है पता नहीं क्या है ये पिछली साइड सर का कुछ ना कुछ हो मेरा खुद के सर में इतना दर्द था मैंने फिर नमाज जैसे अदा की उसके बाद जो है ना मैंने फौरन मेडिसिन खाई फिर जो है ना मैंने बोला मुझे कहवा बना के दो फिर कहवा पिया है चाय नहीं कहवा अच्छा लगता है मुझे चाय से ज़्यादा ना तो बस अब कुछ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी आराम है तो क्या बना रही हो सिस्टर मैं पकोड़े बना रही हूँ अच्छा पकोड़े बना रही हूँ चलो फिर हम तो आज सही टाइम पे आए हैं कैसे नहीं गर्मा गर्म पकोड़े हम खाएंगे चलो बनाओ बनाओ हम भी खाएंगे हफ्सा के साथ बैठेंगे हफ्सा ये क्या किया है आटा की गिराया ये आटा नहीं है ये अम्मी ने बेसन गिराया अच्छा तो साफ करो इसको
बस चरपाइयाँ भी अच्छी हैं ये वाली है ना, खुद बनाई की है। हाँ सही है बिल्कुल, इजी इजी भी उठा सकते हो ना और रख भी सकते हो, टेंशन नहीं होती है। अगर बारिश में भी भीग जाए क्योंकि लुगे वाली है ना, लुगे वाली वैसे बेस्ट रहती है ना गर्मियों के लिए। सिस्टर मास्क लगा लगा के ना बस नाक का बेड़ा गर्म हो जाए ना, इनका फेस रिवील ही कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे नहीं होता, यहाँ पे निशान पड़ गया इधर। हमारे इलाके में जो है ना अभी कुछ तरक्कियाँ होना शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ पे वो मर्द हजरात बैठे हुए, वहाँ पे जो खम्बा टेढ़ा हुआ हुआ है ना तो उस खम्बे को जो है ना नीचे उतार रहे हैं तो और न्यू खम्बा लगाएंगे। अगर खम्बे यहाँ तक लग जाए ना तो लाइट जो है ना फुल आ सकती है, तो देखो फिर क्या करते हैं। अभी तो जो है ना खम्बा नीचे गिराएंगे और लेके जाएंगे। चलो ये तो पता चल गया कि अभी न्यू खम्बे लगेंगे, क्या पता वहाँ पे लगाते हैं नज़दीक नज़दीक लगा देना तो फिर ये है कि लाइट भी थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मा गर्म पकौड़े प्याज वाले केचप के साथ खाएंगे। केचप नहीं आपके घर में होगा? हाँ मेरे घर में होगा, बड़ी बाजी के घर में होगा, उधर ही सिस्टर के घर से उठाते हैं ना। अच्छा, वो बिस्मा भी खाती रहती है चिप्स वगैरह के साथ ना, चिप्स हाँ। ले लेती है तो बस फिर हाँ मजा आ जाएगा। चटनी होती ना साथ में, बारिश हो जाती और साथ में गर्म गर्म चाय हो जाती, बिल्कुल तो मजा ही आ जाता। डालो अभी जगह है, देखो कितनी सी जगह है, खेलना थोड़ी है आग पे। और अभी जो है ना मगरिब का टाइम भी हो गया है। ट्रॉली आ रही है, कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है? ये ट्रॉली है या क्रेन है? क्रेन है, वो खम्बे जो वो रहे ना वो क्रेन आई है, खम्बे उतार आज खम्बे जो है ना हमारे, इसको लेके जाएगी, लोड करके लेके जाएगी। सही, चलो जी चलो, गर्मा गर्म पकौड़े रेडी हो रहे हैं, जब तक खम्बे को भी देखते रहेंगे और गर्मा गर्म पकौड़े भी खाते रहेंगे। हाँ ये सच बात है ना, तो आलू वाले पकौड़े खाने गसाला ले अच्छे होना नहीं ना। हाँ बिल्कुल अच्छे होना। सिस्टर शर्ट तू ही देख रही है, गिननी वापसी कोई ना लेना है, मैं अभी चखर रही थी बिचारी मैं भी चखने के लिए खड़ी हुई थी आया तू देख कितनी मजा भाग भाग के आ रही है बाजी, चखे आप भी तो मिर्चा नहीं है, नहीं है मिर्चा और डालो, आप तीखी खाते हो ना मिर्च, फिर मेरे बच्चे हल्की खाते हैं तो तरह आज 12 बजे अस्पताल में होते हैं आज रोटी इसे के साथ खाओगे? जी इसके साथ खाओ, अच्छी बात है। चलो चटनी वटनी बनाई है कैसे? चटनी नहीं बनाई ऐसे, सही बात है ऐसे सही है, रात की चटनी अच्छी नहीं होती, मौसम नहीं है चटनी शाम के खाने की। हाँ वो तो बात सही है। सिस्टर के घर से गर्मा गर्म पकौड़े खा के आई तो आगे मैं यही तय करने के लिए आई हूँ, छोटी से बड़ी सिस्टर ने जो है ना चावल बनाए के नहीं बनाए लेकिन अभी बिस्मिल्लाह करके बना रही है। मैं भी अपना सालन देखती हूँ जाके बन गया है कि नहीं बन गया, तो सिस्टर आप जल्दी से बना लो ठीक है। हाँ जी, मैं भी अपना सालन देख लेती हूँ, तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।